हेयर एंड बियर्ड। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट वीके आर्ट बॉक्स जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है वहाँ पर विकी कौशल का जो पोर्ट्रेट है वहाँ पर जो हेयर एंड बियर्ड है उनमें बहुत सारे बिगिनर्स का एक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हेयर एंड बियर्ड ड्रॉ करने का बहुत सारा टेक्निक्स होता है, उनमें से आप लोग ज़रूर कन्फ्यूज हो जाते होंगे, मैं भी कन्फ्यूज हो जाता था। और आज की इस वीडियो पे आपको मैं ऐसा टिप्स देने वाला हूँ कि आपको कोई भी रेफरेंस के लिए अलग अलग वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को आप अगर फुल वॉच कर लेते हो ना तो आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप हर एक रेफरेंस पे खुद से ही ड्रॉ कर सकते हो हेयर एंड बियर्ड को, आपको कोई वीडियो देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं इसके पहले भी एक पार्ट दे चुका हूँ मेरे चैनल पे हाउ टू ड्रॉ स्किन टेक्सचर, तो वो वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना। वहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट में बताया कि कैसे रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर को ड्रॉ करता है, वो पार्ट वन था, और ये है पार्ट टू। तो चलिए लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट पार्ट वाला, जिसमें कि मैंने बताया था कि हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट एंड रियलिस्टिक स्किन, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो या फिर इन स्क्रीन से देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। और आपको तो पता ही है कि मैं ट्यूटोरियल एकदम विजुअल्स के साथ देता हूँ, तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, तो इसी बात में एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, और क्या चाहता हूँ मैं। किसी वीडियो पे आपको एक कोड मिल जाएगा, उस कोड को अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे शाउट आउट दे दूंगा आपको। और मुस्टेचेस को ड्रॉ करते टाइम डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए मैं एकदम एक्यूरेट रेफरेंस को बहुत अच्छे से देख के ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई इंडेंटेशन मेथड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और बियर्ड में जो एक टिप्स है बहुत ज़्यादा अल्टीमेट टिप्स है, आज मैं वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। और रेफरेंस पे हमको जो डायरेक्शन दिख रहा है बियर्ड का उसको फॉलो करके एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैं एकदम लो ग्रेड का पेंसिल यानी कि 2B या फिर HB पेंसिल से स्ट्रोक दे रहा हूँ। बहुत अच्छे से हमको डायरेक्शंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देन जो हमको आँखों में दिख रहा है जो डार्क पोर्शन है बियर्ड में उसको मैं थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ या फिर 4B से भी थोड़ा बहुत शेड कर दे रहा हूँ। फिर भी मैं बियर्ड का डायरेक्शंस को फॉलो करके ही शेड कर रहा हूँ। और उसके बाद एकदम हाई ग्रेड का पेंसिल यानी कि 8B या फिर 10B से मैं एकदम बहुत बारीक तरीके से रेफरेंस को देख देख के एक एक बियर्ड का स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कर करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो लंबा हिस्सा आपको दिख रहा है उसके बाद जो 3 स्ट्रोक्स आपको दिख रहा है सेम टू सेम उसी चीज़ को मैं देखो पेपर में किया है। देखो एकदम लंबा जो हिस्सा है उसके बाद 3 स्ट्रोक्स और उसके नीचे एक स्ट्रोक, तो ऐसे ही आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है बियर्ड को और सेम टू सेम हर एक स्ट्रोक को देना है। तो आप अभी कहोगे कि यार सोमिक इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ यार वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, टाइम आपको देना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फिर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो फोटो उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, और हेयर एंड बियर में भी वही है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग ही जाएगा। मैं तो इसमें 3 से 4 घंटा तो मैं लगा ही दिया हूँ। उसके बाद हेयर में भी एक ही टिप्स है कि आप डायरेक्शंस को फॉलो करके एकदम लो ग्रेड के पेंसिल से पहले स्केच कर दो, उसके बाद देखो एकदम जो डार्क एरिया है वहाँ पर भी मैं डायरेक्शंस को फॉलो करके ही 10B से या फिर 8B से स्ट्रोक दे रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने पहले किसी वीडियो पे बताया था कि मोटा एक ब्रश से मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ, इससे कि बहुत ज़्यादा एक डार्क टेक्सचर हमको मिल जाता है। उसके बाद देखो मैं पूरे हेयर का हर एक डायरेक्शंस को फॉलो करके देखो कहाँ पर लाइट पोर्शन है कहाँ पर डार्क पोर्शन है उसको ऑब्जर्व करते हुए पूरे हेयर को कम्प्लीट कर रहा हूँ। ऐसे आपको भी कम्प्लीट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यार, मेरा हेडेक भी शुरू हो चुका था, बट आपको करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो। और हाँ आप अगर देखना चाहते हो कि स्किन टेक्सचर को कैसे ड्रॉ करते हैं यानी कि फर्स्ट पार्ट देखने के लिए ऊपर वाला वीडियो को जरूर क्लिक कीजिएगा।